हेलो फ्रेंड्स, वेलकम. उद्धव बोल रही हूँ. आज हम इवेल्यूशन ऑफ न्यूली डायग्नोज एचआईवी चाइल्ड के ही बारे में देखेंगे, लेकिन इसमें ये देखेंगे कि अगर एक चाइल्ड सीरियसली इल होता है तो वो कैसे प्रेजेंट होता है. तो क्या होता है जब ऐसे चाइल्ड ओपीडी में आते हैं, तो एक तो लिथार्जी होते हैं और अनकॉन्शियस होते हैं. दूसरा, वो बच्चा कन्वर्जेंस आके में आकड़ी आती है उसको, वैसे प्रेजेंट होते हैं. तीसरा, उसकी माँ बोलती है कि ये दूध ही पी नहीं रहा है, मीन्स उसको दूध पीने को होता नहीं है. और तीसरा, वो रिपीटेड ओमिटिंग होता है उसको. और अदर जो ये है, अदर साइंस एंड सिम्टम्स हो गया, उसको हाई ग्रेड फीवर होता है और उसका ब्रीदिंग फास्ट चलता है और चेस्ट और ड्राइंग होता है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी रेट भी उसका बढ़ता है. तो ये जो सब साइन है, वो साइन सीरियसली इल पेशेंट के है. और जब पेशेंट ऐसा प्रेजेंट होता है तो उसको पीडियाट्रिक ओपीडी में अच्छे पीडियाट्रिशियन को के पास ही भेजना चाहिए. ऐसे चाइल्ड को हम हॉस्पिटलाइज करते हैं. तो ऐसे कौन से पेशेंट है जो पीडियाट्रिशियन ही देख सकते हैं? हमारे ओपीडी में आए तो हम क्लिनिकली जज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट को हम पीडियाट्रिशियन के पास भेजते हैं तो उसमें क्या है, वो पीडियाट्रिशियन उनको ज़्यादा अच्छी तरह से देख के उनका ट्रीटमेंट कर सकता है. तो उसमें वो जो CL HIV में चिल्ड्रंस विथ लिविंग विथ HIV पेशेंट, HIV चाइल्ड को कब पीडियाट्रिशियन के पास भेजना चाहिए? तो एक सीवियर उसको अगर माल न्यूट्रिशन हुआ, उसका अगर गेन बढ़ नहीं रहा है, मीन्स उसका जो बॉडी वेट है वो बढ़ नहीं रहा है, इसका माने उसका पुअर वेट गेन रहता है और उसका ग्रोथ फेल्योर होता है. बाद में उसे माइलस्टोन जो है वो डिले होते हैं, डेवलपमेंटल डिले दिखाते हैं, और उसको उसके ही साथ सिस्टमेटिक डिजीज भी होते हैं, इनका TB होता है. और मैंने बोला कि सीरियसली इल पेशेंट क्या होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ कोई सिम्टोमेटिक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा तो भी उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, पीडियाट्रिशियन के पास. और माइलस्टोन मैंने पहले बता दिया कि माइलस्टोन भी उनका देखना चाहिए कि बराबर है कि नहीं. अभी ये सीवियरिटी के रिलेशंस में उसका CD4 काउंट उधर करते हैं, तो WHO क्लासिफिकेशन ऑफ HIV एसोसिएटेड इम्यूनोडेफिशिएंसी का क्या है? अगर बच्चा बिलो 12 मंथ्स का होगा और उसका CD4 काउंट अबाव 35 होगा तो डरने की कुछ बात नहीं है, लेकिन 30-35 CD4 काउंट होगा तो वो माइल्ड में गिना जाता है, और 25-30 होगा तो एडवांस में होता है. और सीवियर मीन्स क्या, उसका CD4 काउंट बिलो 25% होता है, और मीन्स बिलो 1500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर्स होते हैं. ये बिलो 12 मंथ्स एज के बच्चों को होता है. अगर वो बच्चा 12 महीने से तो 35 मंथ्स का होगा तो उसका अबाव 30 अगर CD4 काउंट है तो कुछ डरने की बात नहीं है. माइल्ड कब बोलते हैं कि 25-30 होगा तो उसको डरने की बात है, और एडवांस में 20-25% होता है CD4 काउंट, और सीवियर में बिलो 20% होता है, मींस बिलो 750 सेल्स क्यूबिक मिलीमीटर होता है. अभी अगर वो बच्चा 36-59 मंथ्स का है तो उसका अगर सीवियर बच्चे में बिलो 15% यानी बिलो 350 सेल्स क्यूबिक मिलीमीटर उसका CD4 होता है तो वो सीवियर माना जाता है, और एडवांस में 15-20 होता है, माइल्ड में 20-25 होता है. अभी वो अबाउट 5 इयर्स के ऊपर होगा तो उसका सीवियर CD4 काउंट अगर बिलो 15% और 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है तो अबाउट 500 एज के बच्चे जो है उनको सीवियर मानते हैं, और 200-349 होगा तो एडवांस में पकड़ते हैं, और माइल्ड में 350-499 में पकड़ते हैं. तो आज के दिन व्यूअर्स इतना ही, क्योंकि मैंने वो
सीरियसली इल पेशेंट को पीडियाट्रिशियन के पास भेजना चाहिए, लेकिन उसका अगर आप CD4 काउंट करेंगे और वो अलॉन्ग विथ अगर CD4 काउंट के साथ वो बच्चों को पीडियाट्रिशियन के पास भेजेंगे तो उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो जल्दी होता है और बच्चा बच सकता है। लेकिन ये मॉर्टेलिटी रेट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो व्यूअर्स, आज के दिन इतना ही। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर।